नमस्कार। हॉबीज को अपना करियर कैसे बनाए, बहुत से जनों को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों की बहुत अच्छी अच्छी आदतें होती है, अच्छी अच्छी हॉबीज होती है, पता है वो आपको, और वो औरों से बहुत ही अच्छा करते हैं। जैसे कोई लोग गाना अच्छा गा सकते हैं, कोई लोग कुकिंग अच्छी कर सकते हैं, कोई लोग अच्छा खेल सकते हैं, कोई लोग अच्छा लिख सकते हैं, कोई लोग अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, कोई लोग अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं, ये सब उनके हॉबीज होती है। लेकिन अगर उस हॉबीज को करियर में बनाना है तो कैसे बनाए, और वो अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा निखार लाने में अपने आप में वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते, अरे यार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हॉबीज है यार, मेरा कोई पैशन नहीं है यार, बस ऐसे ही करता हूं। वो चाहे तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, फेम पा सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, और सब लोग आपके मुरीद हो सकते हैं। तो अपने जो आपकी जो अच्छी हॉबीज हैं, देखा होगा आपने भी कि बहुत से लोगों ने किसी मैटर में तो आपकी तारीफ की होगी, यार आप ये अच्छा करते हो, आपको ये करना चाहिए, पर आप क्या कहते हो, नहीं यार मेरी तो ये हॉबीज है यार, मेरी आदत है, मैं करता हूं कभी कभी करता हूं। अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आप कुछ कर सकते हो, अतः अगर आप अपनी हॉबीज को अगर करियर बनाना चाहते हो तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हो, आप एक अच्छा उसमें फेमस और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा करना होगा। आखिर आप अपनी हॉबीज को करियर में कैसे बदले, इस तरीके से बदले, सबसे पहले तो अपना माइंड सेट बदले। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यार नहीं यार ये तो मेरी हॉबीज है यार, बस अपना माइंड सेट बदले, अपने हॉबीज को करियर में ऐसे बनाए। आपने देखा होगा चेतन भगत मशहूर लेखक, वो पहले क्या थे, पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, एक बैंक में वो इन्वेस्टमेंट करते थे और शौक था उनका लिखने का, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने शौक को अपने करियर में बदला, और आज क्या हुआ, आज वो फेमस लेखक है। तो आपको भी अपना माइंड सेट बदलना होगा। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार ये तो मेरे सिर्फ हॉबीज है यार, मैं ऐसे ही करता हूं, नहीं, अपना माइंड सेट बदले, अपने हॉबीज को करियर में बदले, धीरे 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 आप अगर उसको करियर में बदलने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन वही आपकी हॉबीज आपका करियर बन जाएगा, और आप जहां आपने नहीं सोचा होगा उस जगह आप पहुंच पाओगे। समय देना शुरू करें, ध्यान रखना किसी भी चीज में समय तो देना होगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, यार समय नहीं यार मैं कैसे क्या करूं। अगर आपकी हॉबीज है और अगर आप उसमें कुछ अच्छा कर सकते हो, जैसे अच्छा लिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा कोई वीडियो बना सकते हो, या अच्छा खाना बना सकते हो, या आप अच्छा गाना गा सकते हो, तो धीरे धीरे उसमें आप ज़्यादा नहीं, एक दो घंटा रोज देना, धीरे धीरे समय देना शुरू करें, धीरे धीरे आप में निखार आना शुरू करें। एकदम हर चीज़ नहीं होती, सब समय होती, धीरे धीरे आपके अंदर निखार आना शुरू करेगा, धीरे धीरे आप अपने आप में एक्सपर्ट बनते जाओगे उस हॉबीज में, और एक दिन ऐसा आएगा कि वह हॉबीज आपके लिए करियर बन जाएगी, और आप सबको पीछे रख दोगे उस कला में, चाहे बोलने की कला हो, चाहे लिखने की कला हो, चाहे आपके वीडियो बनाने की कला हो, चाहे आपके खाना बनाने की कला हो, चाहे आपके गाना गाने की कला हो, अगर आपने उस पर समय देना शुरू किया ना, तो एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। पहल करने में देरी ना करें। कभी कभी लोग क्या होते हैं, सब कुछ उनको, उनके पास एबिलिटी होती है कुछ करने की, लेकिन वो क्या है, आलस कर जाते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, अरे यार कर लेंगे, वो एक्स्ट्रा समय नहीं निकालते, वो देखे यार ठीक है, कभी कभी हॉबीज में करते, कर लेंगे यार, हाँ ये कार्य करना ये मेरी हॉबीज है, सबने मेरी तारीफ की यार, मुझे ये कार्य करना चाहिए, मैं इसमें करियर बना सकता हूँ, लेकिन वो पहल करने में देरी कर लेते, हाँ यार करेंगे करेंगे, बस करेंगे करेंगे ही रह जाएगी। पहल करने में देरी ना करें, मतलब कोई वर्क है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा आपको समय देकर अगर उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो, तो उसमें लेट लतीफी मत करें, अपने आप को लेट मत करें, जो करना है उसे तुरंत करें, पहल करें जल्दी पर, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है, इस कंपटीशन के जमाने में आपके पीछे हजारों लोग आ रहे हैं उसी फील्ड में, अगर आप उसी फील्ड में अगर आप देरी कर लोगे, तो वो हजार लोग आपकी बराबर आ जाएंगे और आपको पीछे फेंक देंगे, और आप और देरी करोगे तो वो और आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप हे जहां के जे रह जाएंगे। भले ही आपके अंदर एबिलिटी है, भले ही आपके अंदर योग्यता है, भले ही आपके अंदर सब कुछ एक्सपर्टनेस है, फिर भी आप औरों से पीछे रह जाओगे, क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत देर से की। तो पहल करने में देरी मत करना, जो सोचा है उसको शुरुआत करें और समय दें, विकल्प तलाशें, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को कुकिंग का शौक हो, तो उसका सपना क्या होता है कि मैं अच्छा शेफ बनूं यार, अच्छी होटल में, अच्छी जगह सब कुछ करूं,
तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप कुकिंग हो तो अच्छा सेफ ही बनना है, आप उसमें और भी विकल्प तलाश सकते हो, क्या कर सकते हो, आप कुकिंग क्लासेस ले सकते हो, आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, आप बहुत सारे कार्य भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो एक ही आपका सपना हो, आप अंदर डिफरेंट तरीके भी विकल्प तलाश सकते हो। आज तो बहुत सारे तरीके होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। दूसरा ये, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप क्या देखते हो, यार मैं लेक्चरर बनूंगा, मैं अच्छा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा। इसके अलावा भी आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हो, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। उत्कर्ष क्लासेस क्या था, वो भी एक टीचर ही थे, एक छोटे से कमरे में शुरुआत की और आज ऑल ओवर इंडिया में इनकी उत्कर्ष क्लासेस चलती है। तो अब आप किसी भी फील्ड में हो तो जरूरी नहीं, अगर वो आपको एम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को तलाशें और उसकी तरफ काम करें। जरूरी नहीं आपने जो सोचा ही हो, जिस फील्ड, जैसे आपने टीचिंग का फील्ड पकड़ा है तो उस टीचिंग के फील्ड में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है, पढ़ाने नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो अपने विकल्प को ढूंढे और काम करें। तो इस तरीके से आप अपने हॉबीज को करियर के रूप में बना सकते हो और यही हॉबीज एक दिन आपको फेमस, एक दिन आपको पैसा, सब कुछ दे सकती है। बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। ये तीन चीजें आपने रख लेना अपनी हॉबीज में तो आपकी हॉबीज आपको बहुत कुछ दिला सकती है, ये बात ध्यान रखना आप।